ओम शांति। इस समय पर बहुत सारी आत्माएं बीमारी से शरीर छोड़ रही हैं। खास कम उम्र की आत्माएं भी इसमें बहुत सारी हैं, जिन्होंने कभी उनकी मृत्यु का सोचा भी नहीं होगा। ना जाने कितनी आत्माओं ने कम उम्र में अपने जीवन को खोया, बहुतों ने अपनों को खोया, अपने परिवार को खोया। उन सब असंख्य आत्माओं का मन कितनी पीड़ा से गुजर रहा होगा। अब ये हम सब ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है उन सब के दुखों को, पीड़ा को समाप्त करना जिनसे वो अभी गुजर रहे हैं, सबके चित्त को शांत करना। केवल हमारा परिवार ही सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण विश्व की आत्माएं उनका परिवार है। यही पूर्वज आत्माओं और भावी सतयुगी राजा आत्माओं की निशानी है। भगवानुवाच है, ये परमात्म शक्तियां तुम्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं मिली है, बल्कि इस संसार को देने के लिए बाबा ने तुम्हें दी है। इन्हें अपने तक ही सीमित रखना, अर्थात बोझ के भागीदार बनना। इसलिए रोजाना अपनी सुविधा अनुसार कम से कम 4 घंटे मौन में रहकर ये अभ्यास करें। इससे स्वतः ही आपसे चारों ओर शांति की सकास फैलेगी, जिसकी अभी सबको बहुत जरूरत है, और आपके अंदर भी शांति की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस अभ्यास को इस तरह से करें, कर्म करते हुए अपने मन के सर्व संकल्पों को समेट लें और खुद को मस्तक में बिंदु आत्मा निश्चय करें। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। शांति की अनंत शक्ति मुझ में समाई है। ये शांति के प्रकंपन पूरे मस्तिष्क में मुझ आत्मा से फैल रहे हैं। इससे मस्तिष्क की हर कोशिका शांति से भर जाएगी और आप सहज अखंड शांत स्वरूप की स्थिति में, स्मृति में और इस अनुभूति को सहज ही अनुभव करेंगे। मैं मस्तक में शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एकदम शांत। मेरे साथ शांति के सागर बाबा कंबाइंड हैं। मुझ शांत स्वरूप आत्मा के साथ शांति के सागर बाबा सदा कंबाइंड हैं। कर्म करते या चलते फिरते मौन में रहकर अपने शांति के स्वमान को धारण करके उसमें स्थित होकर शांति के सागर बाबा को अपने साथ अनुभव करना। इस अभ्यास से चारों ओर शांति की सकास आपसे फैलेगी, सर्व आत्माएं शांति की अनुभूति पाएंगी, सबका मन
शांति से भरने लगेगा, वातावरण भी शांत होने लगेगा। तो इस अभ्यास को चलते फिरते कर्म करते मौन में रहकर जरूर करें। ये सेवा इस समय पर, इस अशांति के माहौल में बहुत आवश्यक है, जो आपके खाते में भी दुआएं और पुण्य जमा करेगी। ओम शांति।